आज स्टेडियम में खेला हुआ उस तरह से बिहार में भी खेला हो गया है, बीजेपी ने बहुमत बना लिया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए नीतीश जी पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे थे, बीच के कालखंडों में वो एक जो गठबंधन किए थे वो नेचुरल गठबंधन नहीं था। बिहार में जंगल राज के खिलाफ में ही नीतीश जी आए थे सत्ता में और भारतीय जनता पार्टी उनको सपोर्ट कर रही थी, और फिर से जो जिनके साथ वो गठबंधन किए थे वो लोग बिहार को जंगल राज की तरफ ले जा रहे थे, और नीतीश जी ने उस गठबंधन को तोड़ करके फिर से पुराना गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किए, जिसमें कानून का राज था, विकास हो रहा था, और फिर से एक बार बिहार विकास की तरफ बढ़ चुका है, वहाँ पर फिर से कानून का राज स्थापित होगा। और नीतीश जी का जो नेचुरल गठबंधन भाजपा के साथ है, क्योंकि जो दोनों के विचार एक तरह के हैं वो बेमेल गठबंधन पर थे, तो उनको समर्थन बहुत मिलेगा। आने वाले लोकसभा के चुनाव में भी आप देखेंगे, पिछली बार 39 सीटें हम लोग जीते थे, इस बार बिहार में मोदी जी के नेतृत्व में 40 की 40 सीटें हम लोग जीते। मंत्री जी, नीतीश जी भी आ चुके हैं, ओम प्रकाश राजभर भी आ चुके हैं, और RLD अध्यक्ष जैन जी भी आ चुके हैं, अगला नंबर किसका होगा? देखिए मोदी जी के कामों से प्रभावित होकर के बहुत सारे नेता जब चुनाव के समय या इसे भी बहुत लोग आते हैं, जो 2014 से पहले भी बहुत लोग आए थे, 17 से पहले भी लोग आए थे, 19 में भी आए और 22 में भी आए। अब बराबर जब भी चुनाव होता है तभी लोग आते हैं, और आज दर्जनों मंत्री माननीय मोदी जी के मंत्रिमंडल में हैं, जोगी जी, और मैंने बिहार में भी आप देखेंगे तो जो दलों के लोग मोदी जी के विकास के साथ जुड़ रहे हैं, तो एक जिनके मन में सोच है कि देश आगे बढ़े, देश का विकास हो, प्रदेश का विकास हो, तो ऐसे विचारधारा के लोग आज मोदी जी के साथ जुड़ते जा रहे हैं, और इस बार तो सब इतिहास रच जाएगा। इस बार आप देखेंगे, इस बार जो माननीय मोदी जी ने कहा 370 के पार, तो 400 से ज्यादा सीटें। यूपी की क्या स्थिति रहेगी माननीय मुख्यमंत्री जी? 80 की 80 सीटें।